जी, जयराम महतो पड़ा है, एक बार इसको दे दो वोट खुशी से। जीत गया जी गिरिडीह में, ये मत सोचिए जीत गए ना। जय से जल, जयराम से जल, जय से जनता, जय से जहाज, जय से जमा, जय से बहुत कर सकता है। बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन आदमी भूलना। जोहार साथियों, जोहार झारखंड। इस वक्त हम है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और चुनाव का बिगुल फूक चुका है। प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहा है और गांव गांव दौरा कर रहा है, पंचायत पंचायत दौरा कर रहा है। इस बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में क्षेत्र का किसके सर में ताज सजेगा, यहाँ का जनता से हम राय लेना चाहते हैं और जनता का राय किस ओर जा रहा है। हम चलिए एक जनता से हम यहाँ पर राय लेना चाहते हैं। सबसे पहले जोहार। जय जोहार, झारखंडी जोहार। आपका नाम क्या हुआ? हमारा हरलाल सिंह नाम हुआ। तो क्या इस बार किसका मैंने इधर का माहौल क्या है? इधर के माहौल देखिए, हम लोग पूरे दिल में ढूक गया है जयराम महतो। जयराम महतो का एक वो काम नहीं है कि नेतागिरी में, जयराम के सब चीज़ में है। देखिए, जय से जल, जयराम से जल, जय से जनता, जय से जहाज, जय से जमा, जय से बहुत कर सकता है और कर रहा है। इसलिए सबको बड़ से छोट के सिखाने के कोई ज़रूरत नहीं है, सब सीख बैठा है। तो किसान वर्ग है तो हम लोग का वही चाहिए, जंगल जमीन यही सब चाहिए। तो ये सब हम लोग को देने के लिए तैयार है, इसलिए हम लोग पूरे जोर शोर से लग गए हैं ये अपना क्षेत्र में कि हम अपना हिम्मत करें कि हर आदमी हमारा ऐसा करेगा तो जयराम भी उसका काम करेगा। हम क्या हिम्मत धरे हैं कि हम कहीं रुकने वाला नहीं है। और जयराम का ऐसा है कैंडिडेट से अपने कोई चीज़ में आके सड़े खड़ा हो जाता है, हाल करता है सब चीज़ के, लेकिन अभी तो कोई आदमी यहाँ आता नहीं है, कुछ करता है। इसलिए अभी जयराम महतो के अभी कलक साफ तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन आदमी भूलना भूल जा रहा था। साल में एक बार से जयराम महतो के 5 साल में एक बार देखना है और जाना है, उसके बाद उसके सामने जा करके बैठ के बात करेंगे कि देखिए 5 साल अब गुजर जा रहा है, हम लोग का काम नहीं किया था, अगला बार आपने ही चल जाएगा। और वो काम करेगा तो हम लोग का कोई जान यार जाने के नहीं है, सरासर ही ऊपरे जाएगा, नीचे नहीं होगा। तो क्या मैंने सीपी चौधरी धरातल में सांसद रहे, वो काम ये क्षेत्र में नहीं कहीं कुछ नहीं? देखिए ना, डुमरी प्रखंड में कहीं कुछ काम नहीं किया, कैला छाप कह करके आदमी सब वोट दे करके उसको जिताया, जिताने के बाद कई कई बार उसको बुलाया, लेकिन ये भी नहीं करता है, काहे ले आएगा? बड़ा आदमी, एकधारी आदमी, अरे हम लोग सामने क्या है। अच्छा सुनिए, कहता है कि जनाब महतो के पास कुछ नहीं है, अरे बहुत कुछ है। आदमी बोलता है कि झारखंड में कोई लड़का पढ़ा नहीं है, जयराम पढ़ा है जी, जयराम महतो पढ़ा है, एक बार इसको दे दो वोट खुशी से, देखिए कैसा करेगा नहीं करेगा। और झारखंड से आदमी पढ़ा है लेकिन नज़र नहीं खुला है, नज़र खोलने के कोई आदमी मौके नहीं देता है। जयराम महतो हमें सबके मौका दे दिया नज़र खोलने के लिए, लड़ने के लिए, देखने के लिए। इससे इसको हम सोचते हैं कि देखो जयराम महतो आसमान चढ़ जाएगा, आसमान जी, इतने ही इसको कानून है, इतने ही इसको बुद्धि है। वो बच्चे के साथ बैठता है, बूढ़े के साथ बैठता है, बड़े आदमी के साथ बैठता है, सभी आदमी के साथ व्यवहार अच्छा है, लड़का ठीक है। इसलिए हम लोग आबरी साफ जनता सोच रहे हैं, सोच लिए हैं, गठन में ढूक गया पेट में कि जयराम महतो के वोट देना है टाइगर को। क्या उसमें क्या गुण है, क्या माटी मूलवासी? देखिए उसका यही गुण है कि देखिए जब यहाँ सरकार बना झारखंड में वो कमल फूल के, अब देखिए जितना गरमजरुआ जमीन है सब रसीद बंद कर दिया है, ठीक। और ये जब वो रसीद बंद कर जा रही आंदोलन उठाया है कि हम लोग जमीन जगह गाढ़ा स्रोत हम लोग का है, तो अगर वो पहुंच जाएगा दिल्ली ये कानून तो जरूर करेगा कि हमारा रहने का व्यवस्था, हम लोग का गढ़ा जो काटे हैं मिट्टी वो अभी रसीद नहीं कट रहा है, अभी एक दिन सरकार कहेगा हमारा है। अरे ये तो नहीं करेगा हम लोग, इसीलिए हमने सोच लिया हम लोग को देखिए नेतागिरी नहीं करना है, हम लोग को 5 साल में एक वोट देना है, ये आदमी चीन के देंगे। जयराम महतो के जोर छाप रहेगा, वो छाप में वोट इसका पड़ेगा। और जीत गया जी गिरिडीह में, ये मत सोचिए जीत गए ना। हाँ, जयराम महतो कल नामांकन है बोकारो में, लाखों संख्या में भीड़ जा रहा, आप भी उसमें जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कैसे नहीं जाएंगे, हम तैयारी में है, कपड़ा तो हमारा खिंचा रहा है, मैंने इतना तैयारी कर लिया कि जयराम महतो अपने दिल से चाह लिया एकदम दिल से। हाँ,
जयराम महतो ऐसे ही है, हम अभी नेता उसको नहीं बोलते हैं, भाई बंधु बोलते हैं, भैया बोलते हैं, हमारा छोटे होगा लेकिन ज्ञान में बड़ा है, इसलिए हम उसको आशीर्वाद देते हैं और जाने के लिए हम तैयार है, बोकारो कल जाएंगे। जयराम महतो ऐसा नेता है, PhD किया हुआ नेता है। हाँ, बस बस वही पढ़ाइए, हम जान रहे हैं पढ़ाइए। बोल रहा था पहले कि यहाँ का लड़का कोई पढ़ा नहीं है, कोई बच्ची नहीं पढ़ा है, लेकिन हम देखिए सुने कि बाबा हमें सरकार तो भी बोल रहा है, सरकार के पार्टी तो बोल रहा है, देखते हैं मोबाइल में कि भले जरा मैं तो पढ़ा लिखा है लेकिन 50 साल से हम लोग राजनीति कर, हम क्या कद्दू छिलेंगे? अरे कद्दू नहीं कोहरा छिलो, लेकिन इसको कम से कम तो मौका दो। जरा महतो के और मौका मिल गया है, मौका मिल गया, अभी बोकारो जाएंगे, उसको हम कुछ नहीं मांगेंगे, पैसा नहीं कुछ नहीं, अपना पैसा अपना तेल से जाएंगे और उसको नमकन करके आएंगे हम। गिरिडीह लोकसभा की जनता, हम जहाँ भी सर्वे कर रहे हैं सभी जनता बोल रहा है कि हम वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, इसमें क्या बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ देंगे, वो थोड़े नोट मांग रहा है लेकिन हम अपने ही देंगे, इसको कहीं अपना पॉकेट से नहीं पैसा लगाना है, काहे गरीब का लड़का है, एक नहीं बालू बेचा है, नहीं लोहा बेचा है, नहीं यार कोयला बेचा है, न सोना सरपी बेचा है, वो सीधे वो ईमान अभी रख दिया है पब्लिक के साथ कि देखिए हम लोग झारखंड इसीलिए पाछू हो गया है कि जमीन जगह जंगल सब हम लोग का सरकार कैप्चर कर लिया है, और देखिए पारा टीचर लो तो पूरा फुल बहुमत दे रहा है कि बिहार में सबको पारा टीचर सरकारी हो गया, और यहाँ कौन सरकार है कि झारखंड में नहीं हो रहा है? ऐसे पाला टीचर वाला भी पाले टीचर है। हाँ पाले टीचर है, इसलिए कोई आदमी का समाधान नहीं, खाली गाँव में घूरना है, अपने हिसाब से सोच लिया है कि देखिए अगर चार बेटा है और एक ही बेटा है माए बाप के खिलाएगा तो उसी को बेसी नाम होगा ने, सिने सरकार जो कर रहा है लेकिन एक जराम महतो हमारा झारखंड को अभी नज़र खोल दिया है और खोल दिया, नहीं खोला से बात नहीं, देखिए ये समझाने की कोई बात नहीं है, अगर कहेगा घटेगा अपना जब से लगाएंगे, क्या आप पैसा कहाँ पाएगा जी? अरे हमारा आज के 50-55 साल हो गया कि हम राजमिस्त्री काम करते हैं कि हम पैसा नहीं है, लेकिन वो लड़के मांगबे नहीं करें, शौक से हम खर्चा करेंगे, अपना शौक से हम जाएंगे, उसका बुद्धि उसका विचार उसका धारा देख करके, मैंने आपका कहना हम वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। हाँ दोनों देंगे और साथ भी देंगे, कल नामांकन में आप जाइएगा, जाएगा हम जाएंगे, लाखों संख्या में भीड़ जा रही है, एकदम जाएगा, जाए के साथ जा रहा है, ठीक कोई बात नहीं, हम भी जाएंगे, हमारा कल ही पता है, कल ही फोन किया था, उसका घर जो माइन टाइन है वही फील्ड से निकलेगा। हाँ अच्छा ठीक कोई बात नहीं, चलेंगे हम लोग भी। जयराम महतो बोला कि 40 डिग्री पहरा रहेगा कल का, धूप बहुत है, घर से पानी घर से खाना लेके चलिएगा, सब लेके जाएंगे, बोतल में पानी रहेगा खाना रहेगा, उसको पहले बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं कि उसको न खाना की जरूरत है न उसको पानी की जरूरत है, उसका खाली अपन वो धारा जो रखा है उस धारा रखे, वो धारे में बहुत कुछ हो जाएगा, जनता इतने ही चल जाएगा, इतने ही होगा, अभी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम, क्या सब आदमी वही कहता है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जयराम महतो एक बार जयराम महतो के वोट देना है। जयराम महतो के दीजिएगा ना, दीजिएगा, दीजिए बातें में के उसको पड़ गया वोट और जीत भी गया और पड़ गया, कोई किसी को मत सिखाइए कि जयराम महतो के वोट नहीं होगा, से खाली सब जनता सोच रहा है कौन छा पाएगा। अपना नाम नहीं बताएं आप? हमारा नाम श्री हरलाल सिंह है, रसना टुंडा के पंचायत समिति प्रतिनिधि है, पूर्व प्रतिनिधि, पहले पंचायत समिति भी था। हाँ पंचायत समिति थी पहले पूर्व में पंचायत समिति थे। हाँ और अभी फिलहाल आप अभी यही सब कर रहे हैं, हम देखते हैं अपना जो है कर रहे। हाँ अभी पढ़ा लिखा इंसान है, कोई बुर्बक आदमी के साथ चाला मुड़ा नहीं है, ठीक झारखंडी जोहार। देख सकते हैं ये चाचा का बात, आप बारीकी से सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।